हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। सर, भोजपुरी फिल्म अवार्ड हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी के जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, चाहे भोजपुरी हो या बाकी जो आपके ये क्या है, भोजपुरी गॉसिप सारे इनके जो भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम। ये भोजपुरी का अवार्ड जो होता है वो अभी भोजपुरी में कई अवार्ड्स होने लगे हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी होने लगे हैं और यहाँ भी अवार्ड्स होते हैं, 2-4 अवार्ड्स हैं। तो अवार्ड्स एक प्रोत्साहन होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जब उसको अवार्ड मिलता है तो एक उसका हौसला अफजाई होती है, जो उस वो मेहनत किया रहता है, जो उसने एक तरह से अपनी फिल्म के लिए तपस्या किया होता है, उसको जब अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके साथ साथ जब उसके रिजल्ट को एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो वो बहुत खुशी की बात होती है। तो जितने भी जो भी विनर होंगे इसके, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और बताइए, ये रियली बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जर्नी है 14 ईयर्स का उन्होंने, और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने अवार्ड किया है, जब बारिश हुई है और बारिश की वजह से अवार्ड नहीं हो पाया, उसके कुछ ही दिन बाद फिर उन्होंने अवार्ड करवाया पर उन्होंने किसी साल को जाया नहीं जाने दिया। तो ये एक रियली उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 14 साल से इसको करवा रहे हैं। अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अवार्ड्स फंक्शन जो होते हैं उसमें और अच्छा हो सकता है, पारदर्शिता हो सकती है, जूरी मेंबर्स जो सेलेक्ट करते हैं उनके विचारों को रखा जा सकता है कि कैसे किया गया, कौन सी किया, और लोग बहुमत से उन जो अवार्ड्स दिए जाए उसको ले करके और सेटिस्फाइड हो। देखिए होता क्या है, मैं चूंकि आपके प्लेनेट भोजपुरी और भोजपुरी गॉसिप ये हमेशा ये लोग बातें करते रहते हैं हम लोगों से, तो ये बताना लाजमी समझता हूँ एक बीइंग एक जेन्युइन पर्सन के तौर पे कि क्या होता है कि भोजपुरी अवार्ड में हमारी जब अवार्ड होती है तो कोई हीरो पहुंचता है, कोई हीरो नहीं पहुंचता है, कोई जो हीरो पहुंचता है कोशिश की जाती है उसके सारे फिल्मों को अवार्ड देने की, और जो हीरो नहीं पहुंचता है वो कोशिश होती है कि उसको उसकी फिल्मों को ज़्यादा अवार्ड नहीं दिया जाए। ये है सत्य जिससे मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, और बिना हीरोज़ के, बिना स्टार के किसी भी अवार्ड फंक्शन का कोई वजूद नहीं होता है। जब वो पहुंचेंगे तभी जाके अवार्ड फंक्शन की कोई गरिमा, उसका वजूद या उसका ग्लैमर उसमें ऐड होता है। तो इनकी मजबूरियां होती हैं कि उन फिल्मों को दें, पर जिस दिन भोजपुरी में सही रूप से अवार्ड होगा और जिस दिन लोग ये सोचेंगे कि सही रूप से सम्मानित किया जाए उन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं, उस दिन भोजपुरी अवार्ड के प्रति सबका नज़रिया अलग हो जाएगा, सब उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो मेरे लिए एक अवार्ड फंक्शन है जैसे बहुत से होते हैं वैसे ये भी है। हाँ, मेरी भी फिल्में इसमें नॉमिनेट हुई है, मेरी म्यूज़िक में हुई है, मेरी इस स्टोरी में हुई है, मेरी डायरेक्शन में हुई है, सारी विधाओं में हुई है। मेरी फिल्म के सिंगर को, फीमेल सिंगर को अवार्ड मिला, मेरी फिल्म के म्यूज़िक लिरिक्स राइटर को अवार्ड मिला, तो अवार्ड्स मिल रहे हैं सब। पर वही होती है बात की जेन्युइनिटी जहाँ पे होती है वो उसमें मज़ा बहुत आता है। अवार्ड्स ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फेक हो रहा है, पर और पारदर्शिता और सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।